नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजपुरी नाव में। दोस्तों, भोजपुरी के एक्शन स्टार यश कुमार को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल खबर ये है दोस्तों कि भोजपुरी के एक्शन स्टार यश कुमार अपनी अगली फिल्म साइन कर चुके हैं, और कौन सी होने वाली है उनकी अगली फिल्म दोस्तों, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे, बताएंगे कि भोजपुरी पिक्चर में उनके अपोजिट कौन सी हीरोइन आपको दिखेगी, कौन से विलन हो सकते हैं इस भोजपुरी पिक्चर में, कौन इस फिल्म के निर्देशक हैं, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल भोजपुरी नाव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यश कुमार की आने वाली अगली पिक्चर के बारे में, जिसका नाम जो है वो अनाउंस हो गया है। सूत्रों के मुताबिक ये मालूम चला है दोस्तों कि यश कुमार की आने वाली पिक्चर है, उसका नाम जो है वो पारो होने वाला है, जो कि 10 सितंबर यानी कि अगले महीने से ही इसकी शूटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। इसमें दोस्तों यश कुमार तो हमें बतौर लीड एक्टर तो देखने ही वाले हैं, साथ ही उनके अपोजिट जो खूबसूरत हीरोइन हमें दिखने वाली है, उन्हें भोजपुरी का सबसे ज़्यादा फिट एक्ट्रेस माना जाता है, जिनका नाम है पूनम दुबे, जो कि अपने डांस के लिए, अपने अदाकारी के लिए, अपने लुक्स के लिए काफ़ी जानी जाती हैं। उनका नाम भोजपुरी इंडस्ट्री की हॉट एक्ट्रेस में गिना जाता है दोस्तों, और उनकी जो अदाकारी है उसके जो भोजपुरिया फैंस हैं वो पूरे दीवाने हैं, भोजपुरिया जनता उनके ठुमके की पूरी दीवानी है। साथ ही इस फिल्म में जो गुंडा का किरदार यानी कि जो विलन का किरदार निभाने वाले हैं वो है देव सिंह, क्योंकि अक्सर जब भी देव सिंह का नाम निकलकर सामने आता है तो हमें एक विलन का किरदार दिखता है। तो शायद दोस्तों हो सकता है कि देव सिंह जो है वो इस फिल्म में विलन का किरदार निभाए। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही बढ़िया रोमांटिक पिक्चर ये होने वाली है, जिसमें आपको शायद एक्शन भी दिखेगा, क्योंकि जैसे देव सिंह का इसमें नाम आ रहा है तो देव सिंह का नाम असल में जो मेनली विलन के तौर पर ही जोड़कर देखा जाता है। तो हो सकता है कि इस भोजपुरिया मूवी में जो रोमांटिक है उसमें आपको थोड़ा एक्शन का, थोड़ा ड्रामा का जो तड़का है वो भी आपको देखने मिले। आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म के जो निर्देशक हैं इनका नाम है नीलमणि सिंह, जिनका कहना है कि हम इस भोजपुरी पिक्चर, जो रोमांटिक पिक्चर बनने वाली है यश कुमार की, उसे लेकर हम सबके सामने आ रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी फिल्में दी जाती हैं, उनका कहना है कि भोजपुरी फिल्में जितनी बोल के कही जाती है कि इसमें आपको ये देखने मिलेगा, पर वो देखने लोगों को मिलता नहीं है, और इस हिसाब से लोग ठगा हुआ फील करते हैं कि यार इसने तो पैसा ले लिया ये बोलकर कि इस फिल्म में ये दिखाएंगे, पर इस फिल्म में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। पर दोस्तों इस फिल्म के जो निर्देशक हैं जिनका नाम है नीलमणि सिंह, उनका कहना है कि इस भोजपुरी पिक्चर में आपका पूरा पैसा वसूल होने वाला है। अब देखना ये होगा कि जब इसका ट्रेलर आता है तो उस हिसाब से हम इसका रिव्यू करेंगे कि क्या सही में ये जो फिल्म बनकर तैयार होगी। अभी तो शुरू होना ही बाकी है, 10 सितंबर से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी। तो अब देखना ये होगा कि ये जब फिल्म पूरी बन जाती है, उसका जब ट्रेलर निकल कर आता है, तो हम उसका रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या सही में ये पूरा पैसा वसूल फिल्म होने वाली है या नहीं होने वाली है। बहरहाल दोस्तों उस रिव्यू को जानने के लिए इस चैनल जिसका नाम है भोजपुरी नाव, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही दोस्तों हमारे इस वीडियो पर कमेंट भी करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। नमस्कार।